एक साल से फरार यूएसए लोगों के साथ साइबर ठगी करने वाला एक अभियुक्त मुंबई महाराष्ट्र से गिरफ्तार। थाना सागवाड़ा 6 सितंबर 2021 को तत्कालीन थाना अधिकारी ने पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा से मुंबई निवासी 8 युवकों द्वारा फर्जी कॉल सेंटर स्थापित कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए भारत व विदेश के लोगों से इंटरनेट कॉलिंग अमेजिंग कंपनी से माल डिलीवरी का झांसा देकर लोगों को फ्रॉड करने का मामला सामने आया था, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कई लैपटॉप व मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे, मगर उक्त फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड सरगना बौतम फरार था। उपनिरीक्षक मणिलाल थाना सागवाड़ा के नेतृत्व में शंकरलाल एएसआई, भूपेंद्र सिंह कांस्टेबल, भानु प्रताप सिंह कांस्टेबल, सागर कांस्टेबल, हेमेंद्र सिंह कांस्टेबल साइबर सेल की टीम का गठन कर भारत और विदेश के लोगों से इंटरनेट कॉलिंग कर रुपए ऐंठने की गैंग के मास्टरमाइंड बौथम निवासी बाइंदर थाने महाराष्ट्र को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिस पर बौथम की तलाश की गई। 19 दिसंबर को सागवाड़ा से मुंबई पहुंचकर अभियुक्त बौथम की काफी तलाश की गई, मगर बौथम नहीं मिला। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुंबई महानगर पहुंची, जहां पता चला कि बौथम टैक्सी चालक का काम करने लग गया है, जिस पर मुंबई के विभिन्न टैक्सी स्टैंड पर पता किया गया, जिस पर मीरा स्टेशन मुंबई के टैक्सी स्टैंड पर बौथम टैक्सी लेकर जाता हुआ नजर आया, जहां से टीम द्वारा थाने पर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।